नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ साइनोनिम का पार्ट 3 यानी पर्यायवाची शब्द का पार्ट 3 जो एसएससी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट बुक से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने आपको 42 प्रश्न इसमें करवाए हैं, फिर से आज मैं आपको 15 से 20 प्रश्न कराने जा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए पहला सवाल, इसमें आप देख सकते हैं कि एम ए आई एम, एम का मतलब क्या होता है ये पहले आपको जानना है, ठीक है ना। एम ए आई एम, एम एम का मतलब होता है आपका उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य, लक्ष्य, ठीक है ना। तो इसमें इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? तो इसमें इसका साइनोनिम हो जाएगा आपका पर्पस। क्या हो जाएगा? पर्पस, ठीक है। चलिए आगे क्या है? आगे है आपका अलार्म, ठीक है। अलार्म, तो अलार्म का मतलब क्या होता है? तो अलार्म का मतलब यहाँ होता है डर यानी भय। तो इसका साइनोनिम का हो जाएगा पैनिक, ठीक है। देखिए इसमें अगला है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है? तो डिजेक्टेड का मतलब होता है निराशा। तो इसका जो साइनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिप्रेस्ड। क्या हो जाएगा? डिप्रेस्ड। और ध्यान दीजिए अप्रूव का मतलब होता है अनुमति देना, ठीक है। और कंसल्टेड का मतलब होता है, सॉरी कंसल्टेड का मतलब होता है घमंडी। पोस्टपोन मतलब स्थगित किया। चलिए एगोनी, एगोनी का मतलब क्या होता है? तो एगोनी का मतलब पीड़ा होता है, जिसका साइनोनिम हो जाएगा पेन, पी ए आई एन, पेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एसएससी, बीपीएससी, जेएसएससी सभी तरह की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा दोस्तों। इसको हटाते हैं। चलिए लिखा है रेगुलर, रेगुलर का मतलब क्या होता है? तो रेगुलर का मतलब पहले आप हमको कमेंट कीजिएगा। रेगुलर, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन ए उज्ज्वल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस का मतलब क्या होता है? ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस का मतलब होता है बहुत बड़ा या अधिक, ठीक है। तो इसका साइनोनिम हो जाएगा ह्यूज। क्या हो जाएगा? ह्यूज। इसमें देखिए फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली, और एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, और माइनोरिट का मतलब होता है आपका सूक्ष्म, ठीक है। देखिए 49 नंबर में दिया एम्पल, एम्पल का मतलब क्या होता है? एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, जिसको हम बोलेंगे सफिशियंट। यानी इसका पर्यायवाची शब्द यानी एंटोनिम, सॉरी साइनोनिम हो जाएगा सफिशियंट, ठीक है। और इसमें जो एक दिया है मीगर, मीगर का मतलब होता है बहुत ही कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कंसाइज, कंसाइज का मतलब क्या होता है? कंसाइज का मतलब होता है, कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रीफ। क्या हो जाएगा? ब्रीफ, यानी ऑप्शन डी। चलिए एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या होता है? देखिए एमिएबल का मतलब क्या होता है? तो एमिएबल का मतलब होता है मित्रतापूर्ण, मित्रतापूर्ण, यानी इसका साइनोनिम हो जाएगा आपका फ्रेंडली। क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। 52 नंबर है आपका डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब क्या होता है? तो डिक्रीज का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपका नीचे गिरना। तो इसका साइनोनिम हो जाएगा डिक्लाइन। चलिए ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है बाधा। क्या होता है? बाधा। तो इसमें हो जाएगा हिंड्रेंस। क्या हो जाएगा? इसका साइनोनिम हिंड्रेंस हो जाएगा। ये एसएससी में पूछे गए सवाल है, देख सकते हैं एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है। उसके बाद है कंक्लूड, कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब क्या होता है? तो देखिए कंक्लूड का मतलब होता है समाप्त करना, ठीक है। और इसका जो हो जाएगा आपका साइनोनिम वो हो जाएगा एंड, ठीक है। और इंक्लूड मतलब होता है जोड़ना, और एक्सक्लूड मतलब होता है किसी ग्रुप में शामिल नहीं करना, ठीक है। चलिए 55 नंबर सवाल देखिए, मिमिक, मिमिक मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है, नकल करना।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका साइनोनिम हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देख रहे हैं साइनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द का वीडियो, ठीक है। उसके बाद है मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब पहले आप जानिए, मैग्नेनिमस का मतलब होता है उदार, जिसको बोलेंगे इसका साइनोनिम हो जाएगा चैरिटेबल, ठीक है। इसमें एक दिया है अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब होता है अस्थिर, याद रखिएगा। और मैलिशियस मतलब होता है, मैलिशियस मतलब ईर्ष्या या दुश्मनी। और सस्पिशियस मतलब होता है आपका संदेह से भरा हुआ। चलिए इसमें एक है स्ट्रेनस। स्ट्रेनस का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रेनस का मतलब होता है कठिन या मेहनत भरा, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा डिफिकल्ट, ऑप्शन बी, ठीक है। इसमें एक दिया फीबल, फीबल मतलब होता है कमजोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, तो देखिए प्रोएक्टिव का मीनिंग जो होता है वो होता है आपका किसी काम को समय से पहले कर लेने वाला, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शॉर्ट साइटेड, ठीक है, शॉर्ट साइटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंट, प्रिवेंट, ठीक है। प्रिवेंट मतलब क्या होता है, देखिए प्रिवेंट मतलब होता है आपका रोकना, क्या होता है रोकना। तो इसमें हो जाएगा ब्लॉक, क्या हो जाएगा ब्लॉक, ऑप्शन सी। एलिगेंट मतलब होता है, एलिगेंट मतलब होता है आकर्षक, ठीक है। इसका हो जाएगा साइनोनिम ग्रेसफुल, क्या हो जाएगा ग्रेसफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्यूज, एब्यूज का मतलब क्या होता है, देखिए एब्यूज का मतलब होता है आपका गाली देना, क्या होता है गाली देना या किसी के साथ बुरा बर्ताव करना, ठीक है। तो इसमें हम यूज तो नहीं देंगे, टर्मिनेट भी नहीं देंगे, क्लोज भी नहीं देंगे, इसमें हो जाएगा आपका हार्म, ठीक है। चलिए अलाउ, अलाउ मतलब क्या होता है, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी परमिट, ठीक है। रिटॉर्ट, रिटॉर्ट मतलब होता है जवाब देना, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रिप्लाई, रिटॉर्ट का साइडोनिम रिप्लाई। आप देख सकते हैं एक्जल्टेशन, एक्जल्टेशन का मतलब क्या होता है, या एक्सल्टेशन भी बोल सकते हैं इसको, एक्जल्टेशन का मतलब क्या होता है, तो एक्जल्टेशन का मतलब होता है बहुत अधिक खुशी होना, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा जुबली, जुबिलेशन, जुबिलेशन, ठीक है। और देख सकते हैं इसमें एक वर्ड है एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन या नाराजगी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।